सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रशांत और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉन 3 मूवी के बारे में। तो डॉन 3 का टाइटल अनाउंसमेंट टीजर आ गया है और इसी के साथ साथ फरहान अख्तर ने बॉलीवुड के नए डॉन से भी मुलाकात करा दी है, जिसकी वजह से फैंस काफी नाराज हैं क्योंकि शाहरुख खान की जगह पर रणवीर सिंह को लिया गया है। टीजर के कमेंट सेक्शन में जाके देखोगे तो हर दूसरा कमेंट बस यही मिलेगा, नो SRK नो डॉन। मैंने भी टीजर देखा, मुझे तो ना ज्यादा वो अच्छा लगा और ना ही ज्यादा बुरा, ठीक ठीक ओके ओके है। लेकिन वो जो डॉन वाली वाइब है ना, वो पूरी तरह से मिसिंग है। शाहरुख खान की तो बात ही अलग है, उनकी वो डॉन वाली हंसी पूरे डॉन 3 के अनाउंसमेंट टीजर से ज्यादा अच्छी है। देखो, मुझे रणवीर से कोई हेट नहीं है, वो बतौर एक्टर काफी अच्छे हैं, लेकिन शाहरुख खान को रिप्लेस कर पाना ये अपने आप में उनके लिए एक मुश्किल टास्क होने वाला है। लेकिन अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि जब सबको पता है शाहरुख के बिना डॉन डॉन नहीं है, तो आखिर शाहरुख को डॉन 3 में क्यों नहीं लिया। तो बात कुछ ऐसी है कि ये फिल्म सबसे पहले शाहरुख खान को ही ऑफर की गई थी, लेकिन शाहरुख खान को डॉन 3 की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, इस वजह से उन्होंने इस मूवी के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद ये फिल्म रणवीर सिंह को ऑफर हुई और उन्होंने हाँ कर दिया। और अभी फीमेल लीड रोल के लिए कियारा आडवाणी को अप्रोच किया है, अगर वो हाँ कर देती है तो रणवीर और कियारा आडवाणी एक साथ देखने को मिलेंगे। वैसे तुम्हें क्या लगता है, शाहरुख खान को डॉन 3 करनी चाहिए थी या नहीं, कमेंट करके बताना। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।